घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। फॉर एनी इन्फॉर्मेशन कॉल सौरभ सबरवाल 6478648844, that's 6478648844, or visit teamsabarwal.com. Your search ends here. हाँ जी बंदर भाइयों, ये है डो वॉइस और मैं आपकी दोस्त जतीन। बंदर भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, रियल एस्टेट का कोई सवाल पी के सबरवाल। हाँ जी बंदर भाइयों, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई, पी के सबरवाल जी परिवार के साथ अच्छे दिन बिता के वापस रेडियो वॉइस परिवार में आ चुके हैं। यानी कि सबरवाल जी का सफर रहा, वेकेशन रहा, परिवार से परिवार तक, दिल से दिल तक। तो बहनों भाइयों, आइए दिल से करते हैं सबरवाल साहब जी का स्वागत। सबरवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में। थैंक यू वेरी मच जितिन भाई, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। तीन हफ्ते के बाद बड़ा अच्छा लग रहा है वापस आके बात करना अपनों से, अपने लिसनर्स से, आपके हमारे रेडियो वॉइस में बैठ के बात करना बहुत अच्छा लग रहा है। तीन हफ्ते मिस किया मैंने सबको। सबरवाल जी सही कहा, रेडियो वॉइस परिवार और हमारे श्रोताओं ने भी बहुत मिस किया। दो दिन से पूछ रहे थे सबरवाल जी कब आ रहे, हमने कहा बस थोड़ा कीजिए इंतजार, परिवार में सबरवाल जी जरूर वापस आ रहे हैं और देंगे आपके सवालों के जवाब। सबरवाल जी, आपका वेकेशन परिवार संग दिन बहुत ही अच्छे रहे होंगे। जी जी जी, वो तो अच्छा लगता है। वी आर सेवन सिबलिंग्स और मेरे को कोई नहीं लगता ऐसा साल याद मेरी जिंदगी में जब हम सारे बहन भाई साथ अपने सिबलिंग्स जो है अपने पौसेस के साथ ना मिले हों साल में एक बार मिनिमम। हम लोग असल में अभी तो खैर सारे बूढ़े हो गए हैं, मेरी बड़ी सिस्टर्स जो हैं वो तो अभी ग्रेट ग्रैंड मदर हैं, लेकिन हमने मिलना नहीं छोड़ा एक दूसरे को। हर साल हम 5-6 दिन के लिए सब बूढ़े गायब हो जाते हैं और पूरी दुनिया से अलग जाके कहीं किसी रिजॉर्ट में रह लेते हैं। नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है हर किसी के लिए। तो बहनर भाई, रियल एस्टेट का सवाल हो तो आप स्टूडियो में जरूर कॉल करें। अपने प्यारे सबरवाल जी जुड़ चुके हमारे साथ, 416-593-0055 है स्टूडियो के नंबर, 416-593-0055। सबरवाल जी, रियल एस्टेट का करंट सिचुएशन क्या है प्लीज हमारे श्रोताओं को आपकी नजर से बताएं। थैंक यू जतिन भाई, जैसे कि आप ये तो खैर न्यूज आपके यहाँ आ भी चुके होगी, अभी तक जो इन्फ्लेशन है बड़ा एनकरेजिंग रहा, 2.9% में नीचे आके, हालांकि इन्फ्लेशन मीन्स इन्फ्लेशन, बट अपने टारगेट से बहुत करीब आ गया। अगर इसको हम जैसे ये इन्फ्लेशन 2.9 में से अगर हम मॉर्गेज छोड़िए हाउसिंग सेक्टर का अगर जो एक्सपेंसेस या जो उसके जो कॉस्ट है उसको निकाल दें तो ये इन्फ्लेशन 2% के करीब आ जाता है, 2.4% करीब पहुंच जाता है टारगेट के बड़ा करीब। एक बड़ी दुविधा में इस वक्त बैंक ऑफ कनाडा बैठा हुआ है कि इन्फ्लेशन के अंदर बहुत बड़ा हाथ शेल्टर कॉस्ट का है, और शेल्टर कॉस्ट का बहुत बड़ा हाथ होने के साथ साथ अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो उससे शेल्टर कॉस्ट फिर बढ़ जाती है, उससे इन्फ्लेशन फिर बढ़ जाता है। तो इस वक्त मुझे ये लग रहा है कि ये इन्फ्लेशन तो चलो नीचे आ ही रहा है, मतलब बढ़ तो रहा है लेकिन नीचे की तरफ जा रहा है। पर मुझे लगता है कि अभी बैंक ऑफ कनाडा के दिमाग में, उनकी निगाह में ये बात भी है कि इट्स ए विशियस साइकिल, कि इन्फ्लेशन को नीचे लाना है और नीचे लाने के लिए जो शेल्टर कॉस्ट है वो इसको नीचे लाने नहीं दे रहा। तो मेरे ख्याल से ये अपने टारगेट जो 2% का है वहां तक आने से पहले ही ये इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे, और मेरे को उम्मीद है कि अभी मार्च में तो नहीं पर 24 मार्च को तो नहीं 5 मई को जून में जो है जाके कहीं मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू होगा। एंड आई होप कि ये लगभग 1.25 और 1.5% तक नीचे लेकर आएंगे इस साल। वाह क्या बात है बंदर भाई, स्टूडियो के नंबर 416-593-0055 आपके सवाल सबरवाल जी के जवाब। आइए चलते हमारे श्रोता की ओर, लेते हैं आज का ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हाँ जी सबरवाल जी, बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुन के। थैंक यू वेरी मच। मुझे आपकी आवाज शायद नूर भाई हैं शायद। हाँ बहुत मिस किया आपको जनाब, बहुत। जी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, सेम हियर। सेहतमंद होके आ गए हैं अपने सब प्यारों से मिल मिला के। जी। थैंक यू। आपका जो ये आदत आपकी है ना, इज वेरी गुड। बहुत लोगों को आपकी आदत अपना लेनी चाहिए।
पता नहीं ये क्या है कि मैं आपको इसके ऊपर एक मिनट लगाता हूँ कि हमारी जब पेरेंट्स जिंदा थे तो उन्होंने भी कसम खाई हुई थी कि सारे बहन भाई साल में एक बार जरूर मिलेंगे और मिलने के बाद एक अलग जाके किसी रिजॉर्ट में रहेंगे। उस जमाने में शुरू में किसी घर में भी किसी के रहा करते थे, किसी मतलब अपने एक बहन भाई के घर में, लेकिन उसमें शर्त ये हुआ करती थी, आपको पता है जब इतने सारे बहन भाई होते हैं तो शिकायतें जरूर होती हैं कि मेरे बेटे की शादी में ऐसे नहीं हुआ, बेटी ऐसे नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा हुआ था कि इन 5-6 दिनों में या 7 दिनों में अगर कोई शिकायत करेगा तो उसकी बात सुने बगैर सारे जूती उतारेंगे और उसके सिर में मारेंगे। यानी कि कोई शिकायत वाली बात हो रही नहीं, यहाँ पर सिर्फ हंसी मजाक ही चलेगा 5-7 दिनों में। क्या बात। तो उनके जाने के बाद अब हमारी बड़ी बहन ने बागडोर संभाली हुई है और वो बड़ी कामयाब है, बल्कि पिछली बार तो उन्होंने यहाँ तक कहा था बिकॉज शी इज वेरी मतलब कि एजिड नाउ कि देखो अब हर साल कोई ना कोई एक लुढ़केगा, जाने का टाइम आ गया सबका एक एक करके, लेकिन जो सीनियर मोस्ट रह जाएगा वो ये बागडोर संभालता रहेगा और जब तक एक ना रह जाए मिलना छोड़ना मत, क्योंकि तुम्हारे साथ सिर्फ यही जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही सबरवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए चलते हमारे अगले श्रोता की और लेते हैं ये कॉल। बेंद्र भाइयों, पीके जी है हमारे साथ स्टूडियो के नंबर 4165930055। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल, पीके सबरवाल जी का जवाब। चलते हैं ये श्रोता की और। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो। हाँ जी, पूछिए प्लीज। Thanks for taking my call. I have a question for Mr. PK Sabharwal. Ji ji bhai sir. If somebody has like a condo in closing, coming closing for say occupancy is probably in July. So can he sell an assignment before that? No, it depends on your agreement. आपका agreement क्या कहता है, आपका purchase agreement क्या कहता है, उसके अंदर लिखा हुआ क्या? देखो दो बातें होती हैं। एक तो जैसे हम assignment की condition पहले ही डाल के खरीदते हैं। If there is no assignment, we don't buy. पहली बात, assignment इसलिए नहीं हुआ करती कि जी आप प्रॉफिट कमाएंगे, असाइनमेंट इसलिए हुआ करती है कि अगर आप फंस गए, जैसे आप आज सिचुएशन चल रही है कि आपको मॉर्गेज नहीं मिल रहा किसी वजह से या घर के हालात बदल गए, तो एटलीस्ट आप उसके अपने कागजों को असाइन कर सकते हैं और अपना पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन ये भी देखने में आया है कि असाइनमेंट क्लॉज ना होने के बावजूद भी बिल्डर कोऑपरेट करते हैं, वो आपको देते हैं पर वो आपसे फीस ले लेते हैं, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बताऊंगा आपको भाई साहब, मैंने आपसे पूछा नहीं सिर्फ और मैं ना ही चाहता हूँ आपसे पूछना, क्योंकि हर एक की प्राइवेसी होती है। मैं ही चाहता हूँ कि अगर आपके पास गुंजाइश है मॉर्गेज लेके उसको होल्ड करने की, नेवर एवर सेल ऑन असाइनमेंट, ये ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप असाइनमेंट में बेच रहे हैं तो नंबर एक पर्पस डिफीट हो जाता है इन्वेस्टमेंट करने का, नंबर एक। नंबर टू, मोर देन 50% आपसे सीआरए ले जाता है, क्योंकि जब आप उसको असाइनमेंट में बेचते हैं तो उसको सीआरए एज ए बिजनेस इनकम मानता है, नॉट ए कैपिटल गेन। और बिजनेस इनकम मानने के बाद अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा है लाख से ऊपर, तो 47% तो आपने टैक्स दे दिया और ऊपर से 13% आपने एचएसटी दे दी, तो आपके बाकी आपने रियल्टर को पकड़ा दिया। तो क्या आपने ये खरीदा था दूसरों को पैसा देने के लिए कि अपने लिए? तो सिंपल सी बात है, अगर आप उसको इवन अगर उसको आप बी लेंडर से 1% ज्यादा इंटरेस्ट देके भी रोक सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। एक सबसे बड़ा उसके अंदर इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि आज मार्केट बड़ी कमजोर है, मार्केट इस वक्त गिरी हुई है, आज असाइनमेंट में उतना प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। एक बात और बता दूं, अगर जब आप क्लोज करके चाबी देते हैं और या और दूसरी बात बिना क्लोज किए कागज देते हैं, दोनों बातों में बहुत फर्क है। किसी को कागज बेचना और किसी को बोलो ये तेरा घर है भाई ये चाबी पकड़, दोनों के प्राइस में भी बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। और ऊपर से मार्केट खराब है इस वक्त, अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करिए, और अगर होल्डिंग कैपेसिटी है तो कभी भी असाइनमेंट मत करिए। ये मेरी सलाह है। बाकी अगर आपने और सलाह बाद में बात करनी होगी, लंबी होगी, टाइम शॉर्ट है जितिन भाई के पास, तो आप मेरे से बाद में बात कर लीजिएगा। टेक्स्ट मैसेज में अपना नंबर और नाम डाल दीजिएगा, मैं आपको और बातें समझा दूंगा और क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है एचएसटी की वगैरह की और एचएसटी रिबेट वगैरह की और बाकी कैपिटल गेन और बिजनेस प्रॉफिट की। ये बात मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज इसके ऊपर आधा घंटा लग जाएगा। वंडरफुल। बहन और भाई, हम पीके सबरवाल जी का नंबर भी देना चाहेंगे, 6472994757। चलते हमारे अगले श्रोता की और। स्टूडियोज के नंबर 4165930055। पीके सबरवाल जी है हमारे साथ, रियल एस्टेट का कोई भी सवाल, पीके सबरवाल। हेलो रेड वॉइस, चलते हैं ये श्रोता की और। हेलो। हाँ जी सर, पूछिए। पीके जी नमस्कार। नमस्कार सर। ये था सर, एक प्रॉपर्टी हमने लिया था लंदन में एंड 1.5 साल पहले, और उसको रेंट पे लगाया और बिल्डर ने मेरे ख्याल से एचएसटी रिबेट ले लिया था या कुछ ऐसा हुआ था, और हमने भी अप्लाई कर दिया जब हमने टेनेंट लगाया। अब वो लेटर आया सीआरए से जहाँ पे वो करीब $3,500-3,500 एरियर वगैरह मांग रहे हैं, और एरियर। हाँ जी, बात पूरी कर लीजिए फिर मैं बताता हूँ आपको। जी
और कुछ मांगा सीआर ने? नहीं, बस उन्होंने कहा ये आपको पे करना है बिकॉज आपके बिल्डर ने ऑलरेडी ले लिया था, फिर आपने टेनेंट डाला तो फिर आप हमने वो रिबेट हमें हटाना पड़ा और समथिंग इस तरह से वो एक इंटरेस्ट रुकी। आपने बिल्डर से प्री बुक किया था, प्री कैसे बुक किया था और ये प्राइस अमाउंट कितना था? सर असाइनमेंट पे लिया था हमने, मतलब आपने असाइनमेंट में लिया था, ठीक है। तो असाइनमेंट में आपने लिया कितने का लिया था बताएंगे? 7.5 का सर। हाँ, तो आपसे सीआरए डिफरेंस मांग रहा है। आपके असाइनमेंट जब आपने किसे खरीदा, तो मैं इसकी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन आप अपने रियल्टर को पकड़िए और अपने लॉयर से बात करिए जिससे आपको ये क्लैरिटी नहीं दी कि ये एचएसटी का झगड़ा बाद में खड़ा हो सकता है। हम इन बातों को बिल्कुल क्लियर क्लॉजेस डाल देते हैं असाइनमेंट के अंदर कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। आई थिंक यू हैव टू कॉन्टेक्ट योर लॉयर एंड योर रियल्टर। ये बात क्यों उनके जहन से निकल गई आपको खरीदते वक्त, ये आपको सेफ गार्ड क्यों नहीं किया गया? आई एम नॉट ए लॉयर, इसलिए मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। बड़ा क्लियर है, जब बिल्डर ने आपसे ले लिया था तो आपके असाइनमेंट के अंदर ये सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। और ये आप बता रहे हैं कि 6 साल के बाद? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 1.5 साल पहले है? हाँ जी, वेरी गुड, ये तो खुशी की बात है। 1.5 साल पहले आप इसको क्लेम में डाल सकते हैं, अभी आपका टाइम है, आप इसको इसको फाइट कर सकते हैं क्योंकि टाइम है अब आपके पास। उन्होंने कहा है कि कोई RC 4288 फॉर्म है, वो भर के भेजना पड़ेगा वेबअप के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 100% ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इंडिविजुअल डिस्कस नहीं कर सकता सर, बाद में कॉल कर लीजिएगा, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए मैंने कहा अपने लॉयर को मिलिए, द लॉयर विल हेल्प यू, जिसने आपको असाइनमेंट में आपकी हेल्प की थी, और उनको ये काम आपके लिए फ्री करना चाहिए। वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए चलते हमारे अगले श्रोता की ओर, लेते हैं ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो, हेलो, हाँ जी पूछिए प्लीज सर। अच्छा हेलो, अच्छा मेरे पास एक डाउनटाउन में कंडोमिनियम है। नाउ द थिंग इज द टेनेंट इज गेटिंग एम्प्टी प्रीटी सून, बट माय एजेंट, आपकी आपकी बात बीच में कट हो रही है, दोबारा बोलिए, आपका डाउनटाउन में क्या है? डाउनटाउन में कंडोमिनियम है। अच्छा, वन बेडरूम कंडोमिनियम। नाउ द टेनेंट इज मूविंग आउट, बट माय एजेंट इज सेइंग नॉट टू रेंट इट आउट बट जस्ट टू सेल इट ऑफ बिकॉज देयर आर टू मेनी प्रॉब्लम्स विद द टेनेंट्स। सो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस? सर लिसन, आपने ये खरीदा कितने साल पहले था? It's about 8 years ago. 8 years ago. May I know the name of the project? किस क्या प्रोजेक्ट का नाम क्या था? Yeah, ice condo. हाँ, ice one या ice two? Ice two. 14 York या 12 York? दोनों में से कौन सा एड्रेस है? 14 York. 14 York means ice two, right? हाँ जी, ये मॉडल कौन सा है? नाम है आपका, मॉडल का नाम याद है आपको, या दो बेडरूम का है, एक बेडरूम का है? वन बेडरूम एंड स्टडी एरिया। वन बेडरूम एंड स्टडी एरिया, ठीक है। हो सकता है वो ऑस्लो मॉडल हो, एम आई राइट? नो, स्मॉलर मॉडल। अच्छा चलो, कौन सा मॉडल? वन बेडरूम एंड स्टडी एरिया। हाँ, मॉडल का नाम कौन सा है याद है? कोल्डन तो नहीं है, जिसके बीच में पिल्ला रहता है लंबा सा? हाँ, बोर्डन। हाँ हाँ, जिसके मुझे पिल्ला रहता है बड़ा सा, बिल्कुल। ये सारे स्टोरी मेरे दिमाग में घूम जाती है। देखिए, आप इसके अंदर आपका पैसा 1.5 गुना कर चुके हैं, जितने का खरीदा था उससे आपको कम से कम भी इसके अंदर 2-2.5 लाख ज्यादा मिल रहा है, एम आई राइट? यस दैट्स राइट। ठीक है, आप अगर इसको होल्ड कर सकते हैं कर दीजिए, लेकिन इसको बेचने का टाइम आ चुका है। आपका रियल्टर ठीक बोल रहा है, क्योंकि अब इसके अंदर आपने देखा है, गोल्डन मॉडल की बात कर रहे हैं, मैं समझ गया, अब इसमें पिलर आता है एंड उसको एज ए ब्यूटी कई लोग यूज कर लेते हैं, उसको समझ गया मैं बात। और ये जो फेस कर रहा है वो सिटी की तरफ फेस कर रहा है, तो क्या है, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप होल्ड करना चाहते हैं आपकी मर्जी है, लेकिन मैं इतने साल के बाद अब होल्ड नहीं करूंगा। आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, टेनेंट बाहर निकल चुका है, आप इसको बेच दीजिए, प्रॉफिट आपको पूरा मिल चुका है। वैसे भी मैं कहता हूँ कि आपको 5-6 साल के बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करना चाहिए, और लकीली आपका टेनेंट निकल गया। योर रियल्टर इज राइट, वो लालची नहीं लग रहा, वो सच्ची सलाह दे रहा है, और अपने रियल्टर से बात कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल जी। बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक और कॉल लेना चाहेंगे अगर आप इजाजत दे तो प्लीज। जी जी प्लीज। हाँ जी, चलिए चलते हमारे ये श्रोता की ओर। हेलो रेडियो वॉइस। जी सबरवाल साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जनाब, बताइए। सर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द प्रॉपर्टी है, ये पैलेस एट विनफोर्ड पे, इट्स लाइक 1400 स्क्वायर फीट कॉन्डो है, तो वो करंटली ऑक्यूपाइड एंड इट्स वेल मेंटेन, तो इट्स कमिंग आउट ऑफ टेनेंसी इन नवम्बर अक्टूबर। तो बिल्डिंग बहुत पुरानी है, इसके अंदर मेंटेनेंस कितनी है आपकी? $1000 है। हाँ, तो देखो आपके स्क्वायर फीट के हिसाब से
पुरानी बिल्डिंग होने के बावजूद भी बड़ी डिसिप्लिन्ड बिल्डिंग है मैं कहता हूँ, और इसके अंदर इतने बड़े बड़े इसके अंदर अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, और उसके हिसाब से इसकी जो मेंटेनेंस है 65-70 सेंट पर स्क्वायर फीट है, जिसमें इंक्लूडिंग सब कुछ है, पार्किंग चार्ज वगैरह। तो अभी रेंट कितना, रेंट उसका अभी आई एम गेटिंग 3400। हाँ जी, तो और मैं उससे ये जो ना एलआरटी उससे कनेक्टेड हो गई है, वी हैव अ, तो मुझे सब पता है, वो स्टोरी मत बताइए, सबसे बड़ी बात है ये बिल्डिंग अच्छी है, आपको बेचना ही नहीं चाहिए। अच्छा, तो आप लेट्स सपोज बेचते तो उसको बेचते तो पहले बेचते हैं, अब इसकी वैल्यू और बढ़ने वाली है, और वो एरिया बड़ा डिमांडिंग है, स्माइली एरिया, बड़ा अच्छा डिमांडिंग एरिया वो। तो नहीं, मैंने तो ये मतलब अंडर 300,000 लिया था, तो अभी मैं पूछ रहा हूँ कि इफ आई विल होल्ड फॉर नेक्स्ट 2 years, तो हम कहाँ देख रहे हैं इसको, कहाँ अभी एट द मोमेंट इट्स 750। मैं इतनी सी प्रोडिक्शन तो नहीं कर सकता सर, अंतर्यामी नहीं हूँ, पर ये मुझे पता है कि ये बिल्डिंग की डिमांड हमेशा रहेगी, स्पेशली एलआरटी आने के बाद, स्पेशली वो जो इस्माइली जमात खाने के पास है ये, और वहाँ पर इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं हो सकती, और इसकी मेंटेनेंस अच्छी है, इसके रिजर्व फंड अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो मैं तो उसको होल्ड कर लूंगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बिंदर भाइयों। पी के सबरवाल जी है हमारे साथ, हम सबरवाल जी का नंबर भी देना चाहेंगे आपको, लेकिन अगर बात करना चाहे तो स्टूडियोज के नंबर 4165930055। सबरवाल जी आपसे बात कर रहे तो मानो वक्त को पंख लग गए हो ऐसा लगता है, और बस नहीं जी नहीं, जितिन भाई आप बड़ी तेज चला देते हैं, बहुत ही मजा आता है, और कितना इंफॉर्मेटिव सटीक इंफॉर्मेशन हमारे श्रोताओं को मिलती है, इसलिए आपको बहुत ही मिस किया था। सबरवाल जी क्या कहना चाहेंगे रियल एस्टेट के हवाले से? मैं ये कहना चाहूंगा, जिसने भी अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन चलाया है, उन्होंने इस गिरते हुए माहौल में और प्रॉपर्टियां खरीदी हैं, और जिन्होंने अपने रियल एस्टेट की और वैसे अपनी जिंदगी को जिसे कहते हैं अनडिसिप्लिन या अनापदाप तरीके से अंदाजों में, ख्वाबों में, सपनों में या शेख चिल्ली के हिसाब से खरीदा है, वो आज इस कगार में आ चुके हैं कि भी उनको देना मुश्किल हो रहा है मॉर्गेज, और तंगी में आ रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, प्रॉब्लम कभी कभी आपके डिसिप्लिन होने के बावजूद भी आ जाती है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिंदगी जो है बहुत हसीन है, उसको मत जाने दीजिए, चाहे आपको घर बेच के छोटे घर में जाना पड़े, टेंशन में मत आइए, रात की नींद मत खराब करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना सिर, आप कछुए जैसे सिर अंदर कर लेता है ना, वैसे अंदर कर लीजिए, और शर्माइए मत, अगर आप टेंशन में जा रहे हैं तो आप घर को डाउन साइज कर दीजिए या बेच के किराए पे चले जाओ, पर जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा घर बन जाएंगे। मैं हमेशा कहा करता हूँ ये, और अभी भी कह रहा हूँ कि सोचा था घर बनाकर रहेंगे सुकून से, पर मकान की जिम्मेवारी ने मुसाफिर बना डाला। अरे तो क्या बात है, क्या बात, ये ना हो आपके साथ कि आप मुसाफिर बन के रह जाएं, घर बना के छोटा, घर का मतलब है जो आप अफोर्ड कर सकें, चाहे वो एक बेडरूम का हो, वो घर है, लेकिन अगर मकान का मतलब है जो अपनी औकात से ज्यादा है, चार दीवारी, ईंट, गारा, दिखावा, मकान के चक्कर में मत पड़िए, एक सुंदर सा घर बना लीजिए, घोसला बना लीजिए, जिंदगी बड़ी हसीन है। क्या बात, घर बना के रहूंगा सुकून से, पर मकान की जिम्मेवारी ने मुसाफिर बना डाला, ये ना हो, बस ये मेरे चलते चलते एक मेरी एक सलाह है सबको। बहुत खूब, और सबरवाल जी एक मैसेज आया है, अगर आप इजाजत दे तो वो सवाल भी आपसे पूछ लूं। उन्होंने पूछा है कि उन्होंने नया घर लिया है, लेकिन अब बिल्डर क्लोजिंग में डिले कर रहा है, 2-3 साल का डिले हो चुका है, इसमें क्या बिल्डर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या उन्हें फिक्र करनी चाहिए? बिल्कुल, मैं बताता हूँ, मेरे को अगर ये प्रोजेक्ट का नाम बता रहे तो मैं उनको डिटेल अभी दे देता हूँ। हाँ, उन्होंने बस यही मैसेज किया है कि चलो फिर तो मैं नहीं, अगर ये साथ में बिल्डर का नाम और प्रोजेक्ट बता देते तो मैं उनको बिल्कुल डिटेल बता देता। चलो, हमारे श्रोता को मैं विनती करना चाहूंगा कि सबरवाल जी को 6472994757 पर टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा, सबरवाल जी से आपकी बात डिटेल में हो सकेगी। हाँ जी सबरवाल जी प्लीज। हाँ, जैसे अभी दो बंदों ने, जैसे एक ने हाइस कॉन्डोमिनियम का बताया, तो मैंने शायद उसके मॉडल के साथ पूरी डिटेल बता दी उसको, राइट? सही कहा आपने, और दूसरे ने बिल्फोर्ड के बारे में बताया तो मैंने भी पूरी डिटेल दे दी। तो लेकिन इन्होंने ना बिल्डर ना प्रोजेक्ट बताया है, लेकिन मैं इनको जनरल बता देता हूँ, ये अपने एग्रीमेंट को खोल के देखें, यूजली ये एग्रीमेंट का जो टेरियन वारंटी होती है जो 8-9 पेज की, उसका 3rd पेज उसका देखें, यूजली 3rd होता है, ये कईयों में 2nd पेज होता है, उसमें पढ़ें तो उसमें लिखा होगा आउटसाइड क्लोजिंग डेट। अच्छा, उसको लिखा होगा आउटसाइड क्लोजिंग डेट,
आउटसाइड क्लोजिंग डेट के अंदर अंदर बिल्डर जितनी बार मर्जी बढ़ा सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, क्योंकि उनको ये प्रिविलेज मिली हुई है। लेकिन जब आउटसाइड क्लोजिंग डेट से बाहर चला जाएगा तब इनको $75 पर डे के हिसाब से मिलेगा, और उसकी हर एक प्रोजेक्ट के हिसाब से एक लिमिट होती है जो इनको ये मिलती है टेरन वारंटी के अंदर। तो इसलिए इनको इनका आंसर मिल गया, तो ये अपने परचेज एग्रीमेंट को खोल के टेरन वारंटी देखकर उसके अंदर फर्स्ट टेंटेटिव डेट, सेकंड टेंटेटिव डेट, थर्ड टेंटेटिव डेट, आउटसाइड क्लोजिंग डेट वो पढ़ेंगे तो उनको अपना आंसर मिल जाएगा। वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल जी। आखिर में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज। बस जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वक्त है खरीदने का। जिस वक्त बिल्डरों के आगे हम लोग लाइन बना के खड़े थे और सुबह से लेकर शाम तक वो 50,000 कीमत बढ़ा देता था, आज बिल्डर्स हमारे आगे लाइन लगा के खड़े हैं और आज हम खड़े खड़े उनसे प्राइस घटवा रहे हैं। बैठे बैठे मैंने लाख लाख डेढ़ डेढ़ दो दो लाख तक प्राइस कम करवाया हुआ है, और जब हाथ में ड्राफ्ट आया था 5,000 का तो बिल्डर को फोटो कॉपी बेच के मैं ऊपर से 10-10, 20-20, 30,000 और कम करवा लेता हूँ। दिस इज द टाइम टू बाय, दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट। जब मार्केट गिर रही है वो खरीदने का टाइम होता है, ना कि बेचने का। इसलिए मैंने पिछले भाई साहब को कहा कि अभी मत बेचो, और ये जो है मार्केट जब बढ़ती है तब बेचने का टाइम होता है, जब गिरती है तो खरीदने का। हम हमेशा इस ढंग से चलते हैं, हम भीड़ के पीछे नहीं चलते। दिस इज द टाइम, इवन रीसेल के अंदर ये टाइम है खरीदने का, क्योंकि आगे अच्छे दिन आने वाले हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि अभी इस बार लगभग 3-4 बार इंटरेस्ट रेट कम होगा, और 1.25 से लेकर 1.5 तक मुझे इंटरेस्ट नीचे जाने की उम्मीद है, और ये पहला मेरे को इंटरेस्ट नीचे जाने की उम्मीद है 5 जून। नहीं तो जुलाई मेरे को तो 80% जो जुलाई की डेटा 80% मुझे लग रहा है नीचे इंटरेस्ट जाएगा, क्योंकि हालात इस तरह से बन रहे हैं। तो दिस इज द टाइम टू बाय, और गिरे हुए प्राइस का बेनिफिट उठाओ और गिरते हुए इंटरेस्ट का बेनिफिट उठाओ। लेकिन जब आप इंटरेस्ट गिरने के बाद भागोगे तो तब तक प्राइस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, फिर हाथ से निकल जाएगा सब कुछ। फॉर एनी रियल एस्टेट नीड कॉन्टेक्ट मी 6472994757। मुझे टेक्स्ट मैसेज डालिएगा, क्योंकि मैं बुधवार को फोन नहीं उठाता, मेरा फोन फॉरवर्ड होता है बिकॉज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉल्स। अपना नाम जो लिखेगा एंड अवर ऑफिस विल कॉन्टेक्ट यू और आई विल कॉन्टेक्ट यू विद इन 24 आवर्स। 6472994757। जतिन भाई थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत दिनों बाद। बहुत ही हमें अच्छा लगा और इंस्पिरेशन मिला, परिवार क्या है और रियल एस्टेट में किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। सबरवाल जी आपकी बातें गोल्डन बातें होती है, सही मायने में हमें सही डायरेक्शन दिखाती है। रियल एस्टेट का कोई सवाल, पी के सबरवाल बहेंद्र भाई, वो फिर से आपको नंबर बता दे 6472994757। क्लियर मैसेज करके अपना नाम जरूर लिखिएगा। और बहेंद्र भाई आप जानते ही है एवरी वेनसडे 3:10 से लेकर 3:30 बजे तक सबरवाल जी रहते हैं वॉइस परिवार के साथ। सबरवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच जितिन भाई, अगली बुधवार से मुलाकात होती है। थैंक यू।